नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव साहू आज आपको बताऊंगा क्यूबेस 5 के अंदर का टूल्स, मतलब कौन सा टूल्स है, क्या क्या काम करते हैं और वो भी उदाहरण देकर समझाऊंगा, तो आपको जरूर पसंद आएगा दोस्तों। तो वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो ये है सबसे फर्स्ट में आपका आ जाएगा फाइल, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है, इसका सभी का वर्क कर करके बताऊंगा इस तरह से। जैसे ये है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं आपकी फाइल को, जो रिकॉर्ड करके आप कहाँ रखना चाहते हैं, जैसे कि डी ड्राइव में रखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली आपको मेक न्यू में क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे हम क्यूबेस टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट अभी सैंपल है, जैसे क्यूबेस सैंपल कर देते हैं इस तरह से दोस्तों। ये ओके करेंगे, ये हो गया आपका, उस जगह सेव होगा, इसका काम वही है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे इस तरह से एड ऑडियो ट्रैक लेना है और उसके बाद मोनो लेना है इस तरह से, मोनो स्टूडियो। मोनो स्टूडियो का भी मतलब मैं बता देता हूँ, मोनो का मतलब होता है एक 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 बनता है, स्टूडियो मतलब दो बनता है, जैसे आपको उदाहरण देखकर भी बताऊंगा। जैसे मोनो, हम मोनो बनाएंगे, जैसे मोनो अधिकतर रिकॉर्ड करते हैं, ज़्यादा रिकॉर्डिंग में तो मोनो का ही यूज होता है, जैसे इस तरह से। हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, इस तरह से दोस्तों। देखो यहाँ पे सिंगल हो रहा है और स्टूडियो का मतलब भी समझ जाएंगे, स्टूडियो में डबल लेयर बन के आएगा इस तरह से। जैसे यहाँ मैं रिकॉर्ड करता हूँ, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, तो ये तो समझ आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे देखो एक लेयर है, यहाँ पे दो चीज बन रहा है, उसी चीज दो बन रहा है एक साथ, इसका मतलब मोनो स्टूडियो को हो गया। आगे बढ़ते हैं, न्यू लाइब्रेरी, ऐसे तो न्यू लाइब्रेरी का मैं यूज अभी तक नहीं किया हूँ इसलिए इसको नहीं बताऊंगा, जो मेरे को जानकारी है दोस्तों वहीं तक मैं आपको बताऊंगा, तो जो जानकारी है मैं वही बता पाऊंगा आपको। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है जैसे आप इसको काटना चाहते हैं तो क्लोज करेंगे। जैसे मैं पहले क्या करूँगा, सेव कर लेता हूँ, सेव एज। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, 01 लिख देते हैं, न्यू सॉन्ग, यहाँ पे न्यू सॉन्ग लिख दिए इस तरह से। यहाँ पे हम न्यू सॉन्ग करके क्या करें दोस्तों, सेव कर लिए इसको इस तरह से। तो ये क्या काटने का काम करेगा, क्लोज, सेव किए, अभी जो जस्ट पहले सेव करके बताए इसको क्या करना है, सेव किए उसको ओपन करना है इस तरह से, इसको ओपन करना है। जैसे कि इस फाइल को मैं अभी किया हूँ तो इस तरह से देखो ये आ गया, सेव जो किए थे अब आ गया दोस्तों। सेव एज भी सेम वही है। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होता है पहले एक्सपोर्ट होगा, जैसे एक्सपोर्ट उसके बाद इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होता है ओपन होता है, एक्सपोर्ट का मतलब सेव करना होता है। जैसे हम इसी फाइल को सेव करते हैं, भी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे ऑडियो मिक्सडाउन में ओएमएफ लेना है हमको, ओएमएफ सेव करेंगे इस तरह से, ओएमएफ सेव कर सकते हैं जैसे सिलेक्ट ऑल करके, इसको हम इसी क्यूबेस के अंदर में खोलेंगे तो ओएम फाइल क्यूबेस के अंदर में खुलेगा, क्यूबेस और क्या बोलते हैं न्यांडो दोनों के अंदर में खुलेगा। ऑडियो मिक्स डाउन मतलब ये पूरा ऑडियो बन के लोड होगा, तो क्योंकि हमें क्यूबेस या न्यांडो में ओपन करना है तो हमें ओएमएफ में लोड करना पड़ेगा, जैसे इस तरह से। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सेलेक्ट ऑल करना है, उसके बाद ओके करेंगे इस तरह से। यहाँ पे कुछ भी नाम देते हैं, 01 ऐसे कर देते हैं, तो क्या करेगा ये इस तरह से सेव हो गया दोस्तों। अब इसको हम काट देते हैं इस तरह से, अब इसको हम इम्पोर्ट करेंगे, उसी फाइल को इम्पोर्ट करेंगे ओएमएफ। देखो जिस तरह हम लिखे थे इस तरह से ओएमएफ बन के आ गया, उसको क्या करेंगे दोस्तों, ओपन करेंगे इस तरह से, फिर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान देना है दोस्तों आपको, सेलेक्ट ऑल ट्रैक, सेलेक्ट ऑल ट्रैक करना है, उसके बाद फिर ओके करना है दोस्तों इस तरह से। तो जो हम रिकॉर्ड किए थे पहले वो चीज़ यहाँ पे सेव होके आ गया। देखो हेलो 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 चेक, हेलो हेलो, ये देख रहे हैं यहाँ भी वैसी किए, हेलो 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 चेक, इस तरह से आ गया दोस्तों। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। उसके बाद परफ्रेंस, इसका बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों ये, क्योंकि ये पूरा सेटिंग है आपका क्यूबेस का, मेन सेटिंग इसी से होता है। जैसे हम यहाँ पे जनरल गए, कलर वगैरह करना है, सेटिंग करना है, तो ये सब चीज़ यहाँ से होता है दोस्तों। और ये मीटर है, वर्क एरिया है, कौन सा कलर क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ है
रीटिंग है, डिलीट ओवरलैप का मतलब होता है। देखो जितना मेरे को जानकारी है दोस्तों मैं वही बता पाऊंगा, क्योंकि बाकी जानकारी नहीं है। जो जानकारी है जैसे डिलीट ओवरलैप, इसको क्लिक करने से क्या होता है दोस्तों, जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले का जो रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर जैसे हम ओवर ट्रैक करते हैं तो वो क्या होता है, जो पुराना वाला होता है जो काम का नहीं होता है वो कट जाता है। इसका उदाहरण भी देख के मैं समझाता हूँ आपको। इसको ओके करना है एम्पली। इसके बाद जैसे हम यहाँ से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हेलो, जैसे इस तरह से हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो, ये हो गया दोस्तों। देखो ये जो पहले का था वो कट गया, आप देख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ हेलो हेलो देखो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 हेलो, इस तरह से दोस्तों वो जो पुराना था पहले का वो कट चुका। जैसे इसमें पुराना था इस तरह से, ये पुराना था वो कट के इसमें आ गए दोस्तों। इस तरह से ओवरलैप का वर्क है। आगे चलिए फिर। ये तो समझ आ गया दोस्तों, बाकी मेरे को समझ नहीं है, जो जानकारी है मैं वही बताऊंगा। ये है दोस्तों कलर, इवेंट डिस्प्ले आइडियो जाना है, ये कलर करता है। जैसे अभी इस तरह का कलर है आप देख रहे हैं, इसका सादा और काला है। इसको यदि हम सोलेट कर देते हैं अप्लाई तो इस तरह का कलर होगा, ब्लैक पूरा हो गया दोस्तों। यदि इस तरह से रखते हैं तो दोनों मिक्स होकर आएगा, देख रहे हैं आप। और इस तरह से रहेंगे तो इस तरह से आप करेंगे, मतलब आपको जिसमें अच्छा सुविधा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आते हैं आगे। ये ट्रांसफेट के अंदर है स्टेशनरी कर्सर, इसका बारे में है। ये जैसे कि अभी ऐसे नॉर्मल लग रहा है, देखो जैसे ये नॉर्मल अभी लग रहा है। हेलो हेलो इस तरह से हेलो हेलो बढ़े हेलो 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 हो जाएगा हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो। ये काम नहीं कर रहा है दोस्तों, इसको देखते हैं कुछ होगा। ये इसमें ओके किए ही नहीं है यार, इसलिए है। इसको अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। इसके बाद होगा दोस्तों, देखना चढ़ना चालू हो जाए। हेलो 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 हेलो, आपको जिस तरह से अच्छा लगता है। हेलो 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 हेलो, पीछे का बैकग्राउंड चल रहा है तो स्टेशनरी से ही होगा। ये जो अभी यहाँ से सेटिंग बताया मैं, प्रेफरेंस में जाना है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट में जाके इसको क्लिक कर देना है, अप्लाई कर देना है आपको। और इसमें कुछ होगा तो और देखते हैं, बाकी तो नहीं है दोस्तों मेरे काम का जो मैं एक वर्क करता हूँ। ये तो कंप्लीट यहाँ तक हो गया। रिसेंट का मतलब होता है जैसे हम पुराना वर्क किए रहते हैं, जैसे एक दिन पहले, दो दिन पहले या दो घंटा पहले जो भी किए रहते हैं वर्क, वो इसमें आके बताता है। जैसे कि हम इसको ओपन करते हैं इस तरह से, तो क्या होगा दोस्तों, जो पुराना वर्क किए हैं वो ओपन होगा इसमें। देखो ये जो हम पुराना वर्क करके रखे हैं वो अपना वर्क यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरह से जो पुराना हम कार्य किए हैं वो दिखाएगा दोस्तों। ये वही है, और यहाँ से आप कंट्रोल करके आप अपना फाइल को कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ये काटने का काम करेगा दोस्तों। ये हो गया आपका पहला वाला जो फाइल वाला वर्क पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब दूसरे में चलते हैं, एडिट में। एडिट में हमारे काम का चीज होगा कोई तो देखते हैं। हाँ यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, यहाँ पे है आपका जूम इन आउट। एक फाइल खोलते हैं तो समझ आएगा आपको इस तरह से। जैसे यहाँ पे दोस्तों एडिट में है, एडिट में जाना है। बाकी ये तो कट पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, ये तो सब जानते हैं आप। यहाँ पे जाना है जूम में, इन और आउट। जूम इन आउट आउट है और जूम फुल है, शिफ्ट एफ।
इसको भी ध्यान देना है दोस्तों, ये इतना ज़रूरी का चीज़ है ऊपर का। तो जैसे इसका शॉर्ट कट जी में छोटा हो रहा है, देख रहे हैं शॉर्ट कट है जी में छोटा, एच में बड़ा होगा दोस्तों, इस तरह से जी एच एच में बड़ा हो रहा है। इस तरह से आपको, और माउस में भी ऐसे पकड़ के अपने तरफ खींचेंगे बढ़ाएंगे तो इससे भी होता है, छोटा बड़ा जूम आउट होता है। और शिफ्ट एफ में होता है, आप जिस जगह रहते हैं जितना में रहेंगे उतना जगह में ही आएगा दोस्तों शिफ्ट एफ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आप फिर दूसरे चलते हैं प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट का वर्क है, इसको काटते हैं पहले। एड में जाना है, एड तक जाना है, इस तरह से नहीं, इस तरह से एड ट्रैक लेना है। जैसे एड आप और ऑडियो इसमें ट्रैक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए है, एड ट्रैक लेना है। जैसे मोनो बनाना है, स्टूडियो बनाना है, जैसे दो बनाना है, दस बनाना है, इस तरह से जैसे छः बना दिए तो छः ट्रैक देखो नीचे में बन के आ गए दोस्तों। दो पहले का ही था और ये आठ, मतलब छः दो आठ हो गया दोस्तों। इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं आपका एड ट्रैक में। उसके बाद दोस्तों इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में करेंगे इस तरह से। अब इसमें होता है इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है, जैसे हम अपना मिडी आर्गन बजाना चाहते हैं इसमें, तो एड इंस्ट्रूमेंट में आपका काम आएगा। जैसे इंस्ट्रूमेंट सा है यहाँ पे दोस्तों, इस तरह से जैसे हम, मैं कोई भी प्लगइन अपना यूज करना चाहता हूँ इस तरह से, जैसे कि इसका मैं यूज करना चाहता हूँ मान के चलो इस तरह से, तो इस तरह से ओपन होगा ये। तो दोस्तों मीडी आर्गन के ही द्वारा बजेगा, तो भी से मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ आपको बजाने की, बजा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से जाना है और उसके बाद ये जो पेंसिल टाइप का दिख रहा है उसको इस तरह से सिंपली खींचना है दोस्तों आपको, यहाँ पे हो गया इस तरह से। इसके बाद इसमें डबल क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से देखो इस तरह से आप करेंगे, मतलब ये मीडी आर्गन से ज़्यादा बनता है, थोड़ी सी क्लिक करके बता दिया मैंने। इस तरह से आप करके बजा सकते हैं दोस्तों। देखिए अब मैं प्ले करके बताता हूँ इसको, अगर इसमें आप बजाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बजा सकते हैं इसको। देखिए बजा, इस तरह से आप एड इंस्ट्रूमेंट का वर्क है, एड इंस्ट्रूमेंट में मिडी है, मिडी का भी बता देता हूँ इस तरह से। देखो मिडी किए तो मिडी में अपना मिडी का भी सेम ऐसी टाइप का लगभग वर्क है, इंस्ट्रूमेंट टाइप का ही, इस तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। जी उसके बाद आ गए एफएक्स चैनल, एफएक्स चैनल क्या करता है इसका भी वर्क बता देता हूँ। जैसे आप डीले वगैरह लगाना चाहते हैं या रिवर्ब लगाना चाहते हैं तो इससे लगाने से क्या होता है दोस्तों, आपका आवाज़ उठ कर आएगा और उठ कर आने के साथ क्वालिटी भी कुछ अलग आएगा। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे जाना है एड एफएक्स चैनल, एड एफएक्स का बहुत बड़ा महत्व है इस क्यूबेस के अंदर में और नियांडो के अंदर में। तो हम यहाँ से स्टूडियो डीले लेंगे दोस्तों, इस तरह से ओके करेंगे, अपना कोई भी जैसे आंसर डिले ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ 219.1 लिखा है, इसी तरह से यहाँ पे 219.1 ओके करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो गया। फिर इसको काट देते हैं इस तरह से, यहाँ पे डिले आ गया। इसका यूज कैसा है दोस्तों उसको देखते रहिए, जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं इसको, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, यहाँ से आप देख रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से जैसे हो रहा है अभी, हेलो 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 चेक हेलो, इसको हम डिले लगाएंगे इसमें, तो डिले इस तरह से लगाना है दोस्तों। यहाँ पे एफएक्स में जाना है, यहाँ क्लिक करना है ई बटन में, प्रेस करने के बाद यहाँ सेंड लिखा है, यहाँ पे करना है, स्टूडियो डिले आएगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको आवाज को हेलो 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 और इसको चालू करना है, इस तरह से कर देना है, उसको देख लेना है, हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो। अब ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा हम कम करेंगे दोस्तों, इस तरह से इसको थोड़ा कम कर लीजिए, हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो, इस तरह से आप एफएक्स का यूज है दोस्तों।
उसके बाद बाकी तो मैं इधर का वर्क नहीं करता हूँ। जैसे आप वो वीडियो का भी कर सकते हैं, जैसे वीडियो लगता है, जैसे फिल्म की डबिंग, डलाक वगैरह कुछ भी डबिंग वगैरह करना है तो आप वीडियो को ला के इसमें ऑडियो आप कर सकते हैं, जैसे वीडियो ट्रैक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना वीडियो को इस तरह से छोड़ देंगे, इसमें वीडियो ट्रैक और ऊपर में ऑडियो रहेगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हम कुछ भी बोलते रहेंगे, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो, इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोलेंगे बोलेंगे, मतलब वीडियो को देखकर हम बोलेंगे, मतलब क्या चीज़ है, क्या डलाक है, उसके हिसाब से उसमें मिलाकर हम डबिंग करेंगे। तो ये वीडियो ट्रैक का वर्क होता है दोस्तों। ये तो हो गया लगभग, अब इधर आ जाते हैं दोस्तों, जो मेरे को जानकारी है, ये बीट कैलकुलेट भी बहुत जरूरी है, मतलब जैसे हम ट्रैक वगैरह बनाते हैं उस समय लगता है दोस्तों, बीट कैलकुलेट है, बीट कैलकुलेट टेम्पो, ये टेम्पो में काम करता है, जिसे इस तरह से करना है, आप दबाते रहना है, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, आपके गाने के हिसाब से यहाँ टेम्पो मिला के आपको इस तरह से करना है दोस्तों, इस तरह से आप करेंगे आपके गाना के हिसाब से, तो ये बीट कैलकुलेट आपका वर्क करेगा दोस्तों। उसके बाद तो ये हो गया, अब ऑडियो प्रोसेस में आ जाते हैं। ये वर्क है, ये डिले वगैरह है जो अभी बताए थे, एफएक्स डिले उसी तरह का है, वर्क है ये, लगभग डायनेमिक है, कंप्रेसर है, किस तरह से काम करते हैं उसको, इसके थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। ये हो रहा है, इसके बाद ये एडवांस आ गया दोस्तों, जैसे कि हम क्या करते हैं, एडवांस में एक सेटिंग है बहुत बढ़िया, जैसे आप डिलीट ओवरलैप्स नहीं करते हैं मान के चलो, तो क्या होता है, डिलीट ओवरलैप्स अभी सेलेक्ट है तो हो रहा है, और कभी कभी सेलेक्ट नहीं रखते हैं तो ऊपर में आ जाता है, तो क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके एडवांस ऑडियो में जाना है, और एडवांस सेटिंग में यहाँ पे डिलीट क्लोज गैप्स, ये डिलीट ओवरलैप्स इस तरह से करेंगे तो क्या होता है, जो फालतू रहता है वो अपना कट जाता है दोस्तों। यदि आप डिलीट ओवरलैप्स को क्लिक नहीं किए रहते हैं पहले का, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, बाकी और इसमें का तो बाकी मेरे अब नहीं करता हूँ, जो भी इधर का भी और कुछ नहीं है, उसके बाद इसमें का भी नहीं है, इसमें का भी नहीं है, इसमें का, हाँ दोस्तों ये है ट्रांसपोर्ट पैनल, जैसे ये कट जाता है मान के चलो, यदि आपके पास कट गया तो आप शॉर्टकट कीबोर्ड से F2 प्रेस करने से ये अपना ट्रांसपोर्ट पैनल ये अपना खुल जाएगा दोस्तों, F2 से इस तरह से F2 से चालू कर सकते हैं, या फिर इसी बटन से आप कर सकते हैं, ये दिख रहा है F2। हाँ दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों, आपका जितना ऑटो सेलेक्ट है जो शॉर्टकट है वो इसमें लिखा रहता है, देखो Shift+N, Shift+B, ये N है, B है, मतलब ये सब आपका वर्क करने का काम करेगा इसमें दोस्तों। एक चीज़ और है, मीटर ऑन, इसको ऑन करना है, जैसे कि ये टेम्पो है, मतलब यहाँ से भी आप कर सकते हैं इस तरह से, मीटर ऑन को ऐसे करेंगे, हेलो चेक, हेलो कहेंगे, हेलो 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 चेक, हेलो, ये क्लिक का बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ट्रैक बनने के समय क्लिक के ही माध्यम से जितना गाना बनता है दोस्तों, सभी क्लिक के ही माध्यम से बनाए जाते हैं, क्योंकि क्लिक का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे टेम्पो है, यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक टेम्पो है जी, ये डब्बा जमा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5, 6 है, तो ये टेम्पो है, मतलब कहेंगे हेलो 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 चेक, हेलो हेलो, इस तरह से आपका टेम्पो होगा, मतलब क्लिक होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, ये हो गया, अब उसके बाद क्या है, इस तरह से दोस्तों ये मीटर ऑन सम है, यहाँ आपका टेम्पो की आवाज़ को, क्लिक की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे लेवल करेंगे, देखना जैसे अभी, जैसे यहाँ पे मैं चलाता हूँ अपना, जैसे इस जगह चला के बता देता हूँ आपको, देखो अभी जो क्लिक की आवाज़ है वो कम आ रहा है, तो क्लिक की आवाज़ यदि कम आता है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, देखो आपका आवाज़ बढ़ गया दोस्तों इस तरह से, अब पूरा आवाज़ भी कम होगा इस तरह से, इस तरह से यहाँ से आवाज़ बढ़ेगा दोस्तों, तो इस तरह से आप दोनों को क्लिक कर देना, आवाज़ आपका बढ़ के आएगा क्लिक।
क्या कई लोग सोचते हैं कि हम क्लिक कहाँ से बढ़ाएं, आवाज़ कहाँ से बढ़ाएं, कई लोग इतनी चीज़ को भूल जाते हैं, तो इस तरह से आप करेंगे। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज़ है जो डिवाइस में है। जैसे हम डिवाइस सेटअप करेंगे इस तरह से आप वो का जो साउंड कार्ड की ड्राइवर है वो करेगा काम। इस तरह से है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपका साउंड कार्ड जो भी लगा रहेगा, जैसे ऑडियो का लगा रहेगा, साउंड कार्ड लगा रहेगा, जो भी कंपनी का, वहाँ पे ड्राइवर आपको दिखाएगा। जैसे फिलहाल तो मेरे पास साउंड कार्ड नहीं है, तो मैं अपना FL स्टूडियो का ही करके बता देता हूँ या कोई भी चीज़ करके बता दूंगा। आप जो भी करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। मेरा FL स्टूडियो का ही सेटअप इसमें सेट था, तो उसी से बता देता हूँ आपको। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जाना है दोस्तों आपको VST कनेक्शन में। इस तरह से आपको यहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड करने का काम आएगा। जैसे हम इनपुट में अपना मोनो करते हैं, इस तरह से जैसे मोनो कर लिए, आपको 2-3 ट्रैक जो भी बनाना है, जैसे आपके पास 4 साउंड कार्ड है या 8 चैनल का है, तो यहाँ पे उसी तरह का करना पड़ेगा। आपको 8 रहेगा तो यहाँ पे आप 8 करके क्लिक करेंगे तो आपका अलग 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 माइक और अलग अलग साउंड उसमें 8ों में अलग अलग आपका आवाज़ रिकॉर्ड होगा दोस्तों। इस तरह से है, तो ये इनपुट का वर्क बहुत बड़ा है, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो भी एक बार और बोल देता हूँ। जैसे आप 3 साउंड कार्ड लगाते हैं आपके रिकॉर्डिंग करने में, तो अगर 4 साउंड कार्ड लगाते हैं, जैसे आप 8 चैनल का साउंड कार्ड लगा रहे हैं तो आप 8 करना पड़ेगा, जैसे 4 का है तो 4 करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास तो साउंड कार्ड नहीं है, तो मैं तो एक ही करूँगा क्योंकि एक ही आवाज़ रिकॉर्ड होगा अभी जो हो रहा है नॉर्मल। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आउटपुट करना है, आउटपुट सैंपली इसी तरह से करना है, लेफ्ट राइट ही करना है। ये हो गया दोस्तों, इसका महत्व होता है जैसे कि यहाँ पे हम 8 क्लिक करते हैं जैसे इस तरह से, तो ओके करेंगे इस तरह से। जैसे यहाँ पे एक चैनल बनाएं, अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मोनो इन करेंगे तभी अपना आवाज खींचेगा। जैसे अभी आवाज नहीं खींचेगा, देखना हेलो 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 कहाँ कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इन। अब जैसे आपके 4 चैनल में लेना है तो 4 लेना है, क्योंकि इसमें साउंड कार्ड लगा रहता तभी बताता दोस्तों। तो जैसे मेरे पास एक इनपुट है, तो इनपुट में जैसे इस तरह से इसमें ओके करेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे हेलो हेलो चेक हेलो हेलो, इस तरह से देखो ये अपना आवाज़ चालू हो गया दोस्तों। बोलेंगे जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे हेलो हेलो चेक हेलो हेलो, इस तरह से इसमें आवाज़ रिकॉर्डिंग होना चालू हो गया। इस तरह के वर्क का है ये डिवाइस का। अगर इस तरह से नहीं करेंगे कनेक्शन तो आपका आवाज़ रिकॉर्ड होना मुश्किल है दोस्तों। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे प्लगइन इन्फॉर्मेशन, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इस तरह से करना है प्लगइन इन्फॉर्मेशन, और इसको सिंपली इस तरह से कर देना है। तो इसका मतलब ऐसा है जैसे आप कोई भी प्लगइन करते हैं, जैसे देखो मेरे पास ओजोन एड मैं डाला हूँ तो उसको ले रहा है। इस तरह से आप जैसे ऑटो ट्यून वगैरह है, जो भी VST प्लगइन है आपका, इंस्ट्रूमेंट प्लगइन है, वो सभी प्लगइन को यहाँ पे सर्च करके आपके क्यूबेस के अंदर में देगा दोस्तों। इस तरह से है इसका अपडेटिंग प्लगइन का मतलब। ये देख रहे हैं आप पूरा वर्क किए, FL स्टूडियो का भी ले रहा है, देखो इस तरह से आप करेंगे दोस्तों। उसके बाद आने के बाद जो भी प्लगइन यहाँ डाला रहता है, जैसे कि देखो ऑटो ट्यून डाला है, यहाँ पे ब्लू डाला है जो VST प्लगइन है, आपका कंप्रेसर है ये भी VST प्लगइन, FL स्टूडियो है, और अपना जो भी डाला है मतलब कोरजा का डाला है, ये सब चीज़ जैसे ओजोन एड डाला है, रिवर्ब डाला है, यहाँ जो भी आप डालेंगे दोस्तों वो सब चीज़ यहाँ पे इस तरह से शो करेगा। तो इन्फॉर्मेशन प्लगइन इन्फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब उसके बाद आ जाते हैं अपना, ये तो हो गया लगभग, अब इसमें तो और कुछ नहीं है, बाकी तो सब ठीक है दोस्तों। ये तो वीडियो आपका कंप्लीट क्यूबेस 5 का फुल ट्यूटोरियल है जो मेरे को जानकारी है दोस्तों। तो ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके थैंक्स।